खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के पूर्वा विधानसभा क्षेत्र से। पूर्वा विधायक अनिल सिंह व ब्लॉक प्रमुख दिलीप कुमार दीक्षित ने वितरित किए प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना के स्वीकृत पत्र। लंबे अरसे से पक्के आवास के लिए इंतजार कर रहे गरीब परिवारों के चेहरे शनिवार को खिले नजर आए। विधायक व ब्लॉक प्रमुख ने पीएम आवास योजना के तहत गरीब परिवारों के लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र प्रदान किया। स्वीकृत पत्र पाकर लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे। विधायक ने हर गरीब को पक्की छत मोदी व योगी सरकार में मिलने की बात कही। किलोली ब्लॉक में पीएम व सीएम आवास योजना के तहत चयनित किए गए लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्वा विधायक अनिल सिंह ने 94 लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र प्रदान किया। विधायक ने कहा कि केंद्र में मोदी और प्रदेश में योगी की सरकार ने गरीबों के लिए योजनाएं चला रखी हैं और कोई भी गरीब योजना से वंचित नहीं होगा। ब्लॉक प्रमुख दिलीप कुमार दीक्षित ने कहा कि सरकार का ध्येय है कि हर गरीब को आवास का लाभ मिले। मोदी योगी की सरकार में सभी लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। इस मौके पर बीडीओ विकास शुक्ला, प्रधान संघ अध्यक्ष योगेंद्र सिंह उर्फ भोले, एडीओ पंचायत रवि शर्मा, संतोष सिंह, काली किशोर साहू, अरुण प्रताप सिंह, सचिव विनीत भारती, अजय यादव, विवेक सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता एवं क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। युवा तक भारत समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सरकार की मंशा के अनुरूप काम करना, उसी कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री योजना के तहत आवास वितरण, आवास के लाभार्थियों को आज आवास की पहली किस्त का सर्टिफिकेट, जो आवास स्वीकृत हुए उसका सर्टिफिकेट देने का कार्यक्रम था। इसी कार्यक्रम के तहत आप सब यहाँ उपस्थित हैं, इसके लिए मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। विधायक जी, आपने मंच के माध्यम से हर बार, चाहे जहाँ मंच हो, आप खुला ऐलान करते हैं अगर कोई भी आवास के नाम पर पैसा मांगेगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में मामला आया था ग्राम पंचायत लखमंदे मऊ की, एक महिला है उषा सिंह, जिससे वहां के प्रधान प्रतिनिधि बताने वाले लोगों ने 30,000 रुपये वसूल लिए, 10,000 के और मांग कर रहे थे, उसने नहीं दिया, उसके साथ बहुत प्रताड़ना हुई, कोई इस पर कार्यवाही नहीं हुई। वजह क्या? उसने वापस ले लिया अपना कार्यक्रम जो नहीं, महिला ने उसने नहीं किया। नहीं, सुनिए तो हमको जानकारी है, सुलहनामा कर लिए, नंबर एक। नंबर दो महत्वपूर्ण है कि प्रधान ने नहीं मांगा, प्रधान प्रतिनिधि मांग रहा है, तो प्रतिनिधि अथराइज नहीं है पैसा मांगने का, नंबर एक। नंबर दो, नंबर तीन कि हमने जागरूकता अभियान इसीलिए चला रखा है कि प्यारे मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप किसी भी प्रकार का घूस देने का काम ना करें लगातार निरंतर। इसीलिए सरकार हमारी डायरेक्ट लोगों के खाते में पैसा भेजती है, ये भी नहीं कि प्रधान का ज्वाइंट अकाउंट लगता है। जो उषा सिंह है उसने थाने में एप्लीकेशन दिया था, जिसके बाद 384 के तहत मुकदमा भी दर्ज हुआ है, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, उसका पैसा भी नहीं मिला, लगातार प्रताड़ित है महिला। देखिए, अभी आपने कहा कि कार्रवाई हुई, मुकदमा लिखा गया ना, कार्रवाई भी होगी। पहले तो मुकदमा ही नहीं लिखा जाता था, कोई सुनने वाला ही नहीं था। प्यारे आप समझिए, 2017 से हाल पहले पहली बार तो इतने मकान नहीं आते थे, अब इतने लगातार हम लोग 5,000 एक एक विधानसभा के मतलब ब्लॉक में 5,000 मकान बांट चुके, नगर पंचायतों में 5,000 मकान बांट चुके। हम कहां कहते हैं कि हम पूरा सुन, क्योंकि जनता खुद जागरूक होना पड़ेगा। हमने देखिए सारा योजना खाते में भेजना शुरू किया, चाहे किसान निधि हो, चाहे आवास का पैसा हो, चाहे शौचालय का पैसा हो, चाहे कुछ भी हो, हम सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजते हैं। अब उनसे कोई बहला फुसला के ठग ले तो उसी की वजह से आज हम भाषण में इस बात को सम्मिलित किया है, कार्रवाई होगी, जेल जाएंगे। एक बात और आपने रखी है मंच के माध्यम से, पंचायत भवनों को लेकर कि वहाँ ऑनलाइन व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। अधिकतम मैं 70% पंचायत भवनों की बात कर सकता हूँ मेरे सचिवालय की, जो खुलते ही नहीं ज्यादातर। आप अगर हमको एक दो रिपोर्ट दे दो, ताला बंद है, खुला नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ विधायक अनिल सिंह कि उनको पहली बार तो नौकरी से निकालने का काम किया जाएगा जो वहां बैठते रहे। अगर किसी ने भी कंप्यूटर, लैपटॉप, कुर्सी खरीद के रख ली अपने घर में तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसीलिए ये व्यवस्था तो अभी लागू हुई है ना, तो हम इसीलिए भाषण में, प्रत्येक भाषण में यूज करते हैं इस शब्दों का कि अभी तक लोगों को जानकारी ही नहीं है कि गांव में तो बहुत सारी बिल्डिंग बन जाती है। इसीलिए हम जानकारी दे रहे हैं, 4G 5G लगाकर दे रहे हैं कि आप सब लोग गांव में जाइए, गांव में कार्यक्रम करिए, गांव में आप सब लोग लगिए, यहां आने की आवश्यकता नहीं।